चीफ के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और मेरा रिश्ता अपना लो। तुम्हारा रिश्ता मारेगी हमारी जूती। दुनिया की आखिरी इंसान भी होगी ना, तब भी तुमसे शादी नहीं करेंगे हम। मर भी जाओगे ना, तब भी खुद को हाथ में लगाने देंगे हम। अच्छा, और अगर तुम्हारा शेफ ही तुम्हें मेरे नाम का रंग लगाए तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, मुझे या तुम्हारे शेफ को? जवाब तैयार रखना, क्योंकि कल होली पर पूरे बनारस के सामने शिव तुम्हें मेरे नाम का रंग लगाएगा और पूरे शहर के सामने तुम्हारी इज्जत का तमाशा। और जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारा शिव ही होगा। Just wait and watch in Ananya Pandey. कल कैसे तुम्हारा शिव खुद तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम्हारी भाषा में बर्बादी से होली खेलने तो दोगे ना शिव को हमारे साथ? बस बाकी हम सब संभाल लेंगे। वैसे आई लव योर कॉन्फिडेंस। अब गेम में डबल मजा आएगा। जब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, उसकी आवाज से जो दिल को सुकून मिलेगा ना, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता मैं। अरे राहुल, ए राहुल। हाँ नानी। हाँ नानी। बेटा एक काम कर, दुकान से जाके 2-3 किलो भुजिया ले आ। नानी पैसे अपनी दुकान से लानी है। अम्मा जी। बदन पे सितार लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना की डर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अरे जमाई बाबू, सच्चाई नहीं पूछ में आए। राहुल हाँ? इन फव्वारे के नीचे ले जाके बिठा। ठीक है नानी। पापा पापा चलो चलो, अब शावर में ही करना अपना खत्ता। चलो। अरे क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ बैठो। अरे पापा। अरे हम नाचेंगे जरूर, लेकिन अपनी भाभी जी के साथ में, और वो भी ये खुशखबरी सुनाने के बाद।
समझे क्या? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या? पागल आ गए क्या ये? हाय हमारी रेखा। कुछ नहीं हुआ। तू चुप कर। क्या बदतमीजी है ये? हमारे सवाल का जवाब दे दो, छोड़ देंगे। कैसे सवाल? क्या हम तुम्हें सच में वैसी सी लड़की लगते हैं जैसा तुम बोले? प्यार के काबिल नहीं है हम। नहीं हो प्यार के काबिल तुम, और हाँ हमें लगती हो तुम वैसी सी लड़की जो बड़े भाई से शादी करने वाली और छोटे भाई पे डोरे डाल रही हो। तो क्या बोलूं उस लड़की के बारे में मैं? इनफैक्ट मुझे तुम उससे कहीं ज्यादा गई गुजरी लगती हो। किसलिए? भाभी जी ईमानदारी का पान खाकर झूठ बोलते नहीं हम। आपके लिए फ्रेश मिल्क शेक लेके आए हैं, ले लीजिए। किस खुशी में? बताते हैं जी, वो शिव और अनन्या वाली बात हमने जो आपको आधी खबर दी थी ना, पूरी खबर ये है
कि शिव की याददाश्त कोई वापस आ नहीं रही है। उसने तो अनन्या की खटिया खड़ी कर दी। हाँ बेवकूफ। अरे भाभी जी अब क्या हुआ भाई? तब आधी अधूरी बात बता के हमें टेंशन दिला दिया, उसकी वजह से हमारा चेहरा मुरझा गया था। अरे भाभी जी उसकी चिंता क्यों कर रही हैं आप? अरे आपके घालों में हल्दी और उपटन ऐसा लगाएंगे कि आपकी सारी दुनिया सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ बस आप हमें खुश करने का मौका दीजिए तो एक बार। घी चाची आप भी ना। ओ, समझ गया, पहले वाले से ज्यादा अच्छा मेरे चेकने चाहेंगे, बस हम मौका देते रहिए। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, कभी हमारी हद भी चढ़ गया ना तो सर फोड़ देंगे उसका, हम बता रहे। क्या है, दिन भर फोन में घुसी रहती हो? अरे तू तुझे क्या दिक्कत है, तेरा फोन देख रहे हैं क्या, हम अपना फोन देख रहे हैं, क्यों सुबह सुबह चिड़चिड़ कर रही है? तुम्हारी उस जमाई की वजह से दिन भर उस चुड़ैल के आगे पीछे मंडराता रहता है वो। अरे अम्मा देख समझ के शादी नहीं करवा सकती थी क्या? हाँ पैजामे का ढीला है तुम्हारा वो जमाई, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उस चुड़ैल को हमारी सौतन बनाने पर तुला हुआ है तुम्हारा जमाई। अरे थोड़ा धीरे बोल, क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही है? लेकिन गला तो हमारा फटा बांस हो रहा है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कसम से होली का दहन में जिंदा जला देंगे हम दोनों को। तुम भी ना अम्मा एक नंबर की डरपोक हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बड़े भाई से शादी करने वाला और छोटे भाई पे डोरे डाला तो क्या बोलोगे तुम बारे में? तुम बड़े भाई से शादी करने वाला कहीं ज्यादा छोटे भाई पे डोरे डाल रही प्यार के काबिल नहीं हो, क्या बोलोगे उसके बारे में? नहीं हो प्यार के काबिल, इंटरेक्ट और हां मुझे तुम उससे कहीं ज्यादा कहीं वैसे से लड़ रही हो। तो बेटा हमें ये क्या कर रहे हैं पापा? क्या कर रहे हैं, हम इतने लाचार कभी नहीं हुए बेटा, हमारी बेटी को हमारी इतनी जरूरत है और हम आंसू बहाने के सिवाय कुछ कर ही नहीं पा रहे। अपने आप को बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है, हम किसी किसी काम ही नहीं आ पा रहे। नहीं, ऐसे मत कीजिए पापा, अपने आप को दोष मत दीजिए आप। हमारे जो इस वक्त हालात है ना, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। हम खुद भी नहीं कर सकते पापा। हमें लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, बस हिम्मत नहीं है हमें पापा, ना ना तो हम इन लोगों से लड़ सकते और ना ही घुट 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 के जी सकते हैं। हाँ अब हम ये फैसला लिए हैं
अपनी जान दे देंगे। ऐसा ख्याल अपने मन में आने भी मत देना बेटा। तुम अपने पापा की बहादुर बेटी हो बेटा। माना कि तुम्हारे पापा इस वक्त तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे, मगर तुम्हारे पापा तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे पापा बेटा। ऐसा कभी मत सोच। सुना है कि कल तो मोहल्ले वाले के सामने शिव से अनन्या की बेइज्जती कराने वाले हो। एकदम सही सुना है आपने। कैसा प्यार है ये? अमर का प्यार है ये। मेरा मकसद अनन्या को हासिल करना है, फिर चाहे प्रपोज करना पड़े या जबरदस्ती करनी पड़े या फिर किसी को मारना पड़े। हर्ष, वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लेगा? कोई शक? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? शिव, जाके वो मंदिर में से दिया लेके आओ। जी भाई। अमर, ये क्या कर रहे हो? Thank you.
चलाओ खुद को।